हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आकांक्षा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपना हैंडबैग हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सारे बैग्स मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी बैग ज्यादा अच्छी लगी। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप नोटिफाई हो सके मेरे हर एक नए वीडियो से। और अगर आप स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आकांक्षा ब्यूटी के नाम से। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस देखने में, तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो भी प्राइजेस है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा, और जो भी ब्रांड है वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। सो मैं प्राइस और ब्रांड ये सब नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो अगर आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही। सो अगर आप चाहें तो वहां जगह डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट थोड़े सेल टाइम में लिया था, सो आपको दाम जो है वो थोड़े ऊपर नीचे लगेंगे, बट अगर आप चाहें तो अभी ले सकते हैं, या फिर आप जब सेल टाइम आएगा तो भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये रेड कलर की स्लिंग बैग शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफी ज्यादा प्रिटी है और काफी अच्छा इसका कलर भी मुझे लगा। ये कुछ इस तरह की है, काफी प्रिटी, और ये स्लिंग बैग है, सो इसके हैंडल को आप बड़ा कर सकते हैं। सो मैंने इसे अभी अच्छे से ओपन नहीं किया है, ये कुछ इस तरह की है, आप इसे पूरा बड़ा कर सकते हैं, उसका ये काफी अच्छी स्लिंग बैग लगेगी। सो ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, काफी अच्छा इसका लेदर का मटेरियल है, अपर जो मटेरियल है वो लेदर है, और साथ में आपको ये भी मिल रहा है साइड से, जो कि इसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है इस तरह का। ये सिर्फ शो के लिए, इसका कोई भी काम नहीं है। और ये इसकी जिप की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी, काफी स्ट्रांग है ये। और कंपार्टमेंट्स के बारे में अगर आप पूछे, तो आपको अंदर में कोई भी कंपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ एक छोटी सी चेन मिल रही है चेंज रखने के लिए। उसके बाद ये पूरा बैग है, क्योंकि स्लिंग बैग है तो इसमें ज्यादा कंपार्टमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। सो ये काफी ज्यादा अच्छी है। और जो इसका जो फैब्रिक है वो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा स्टर्डी नहीं है, ये अभी तो मैंने इसमें पेपर रखे हुए हैं, बट पेपर नहीं रखने के बाद भी ये स्टर्डी है, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये सिकुड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये काफी अच्छा है। सो ये इसकी जिप है, आप देख सकते हैं, प्राइस तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। काफी अच्छा स्लिंग बैग है ये, और ये कलर मुझे काफी अच्छा लगा, और लेदर की जो मटेरियल है वो काफी अच्छी है, और ये बैग काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला है सेल टाइम में, और अभी भी इसकी प्राइस ज्यादा नहीं है, मैंने चेक किया था। इसमें जो इसकी प्राइस गिवन है फ्रेंड्स, वो है 1900 रुपीज, बट मुझे कितने मिली है मैंने जैसा कि बताया आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। स्टडी है, और काफी इसे आप कैजुअल लुक में किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, या कैजुअल लुक में आप जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। जो नेक्स्ट बैग है वो भी अगेन स्लिंग बैग है, और ये भी काफी प्रिटी कलर है इसका, और काफी प्रिटी है। तो ये कुछ इस तरह की है, और ये भी स्लिंग बैग है इस तरह की, और इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, ये ओवरऑल इस तरह की दिखती है, और जो लेदर का क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अंदर में अगर आप देखते हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा कंपार्टमेंट मिल जाता है, एक कंपार्टमेंट मिल रहा है आपको चेन ये सब रखने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ चेन के साथ, और फ्रंट में आपको आगे में भी इस तरह के कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप कुछ इस तरह से कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है, और कैजुअल लुक के लिए बहुत ही प्रिटी है, और ये लेदर मटेरियल में है, और यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आपको हैंडल के पास ये बकलस भी मिल रहा है, जिसे कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं बेल्ट की तरह। सो ये ओवरऑल कुछ इस तरह का है, और ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी है। सो नेक्स्ट एक बैकपैक है, और ये कुछ ब्लैक कलर का है इस तरह का। अभी बैकपैक काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इससे मैंने एक बैकपैक लिया है, और इसके साथ आपको इस तरह की लेदर की कवरिंग मिल रही है फ्रंट में, और जो बाकी की फैब्रिक है वो पॉलिस्टर है, नॉर्मल जो बैग्स की होती है। और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये है इसका जिप फ्रंट का, और इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी स्ट्रांग स्टडी जिप है ये। और फ्रंट में आपको एक और जिप मिल रही है यहाँ पे, जो कि लेदर वाले फैब्रिक के ऊपर है, सो ये भी काफी अच्छी है। यहाँ पे भी आप कुछ अपने जरूरत के सामान रख सकते हैं। और जो बैग की बात करें, तो आपको एक जिप मिल रही है, दो नहीं मिल रही, सो जो मेन जिप है वो आपको एक ही मिल रही है, और इसे ओपन करने के बाद आप इसमें अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स या फिर कॉलेज के कुछ बुक्स वगैरह रख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे कॉलेज में कैरी कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज के सामान थोड़े कम होते हैं तो। ओपन करने के बाद इसमें आपको सेपरेट दो कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, एक यहाँ फर्स्ट और एक ही सेकंड, और इसमें भी आपको इधर से कुछ चीजें या पेपर्स रखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एक जिप भी मिल रही है चेंज ये सब रखने के लिए। सो ओवरऑल ये बैग भी मुझे काफी अच्छी लगी, और ये इसका बैक है, और बैक में आपको स्ट्रांग स्ट्रैप्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वीक हैं पतले हैं, स्ट्रांग स्ट्रैप्स मिल रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं, आप इसे बेल्ट की तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं काफी अच्छे से। जो लास्ट बैग है वो स्लिंग बैग या बैकपैक नहीं है, ये एक शोल्डर बैग है, और इसे भी अगर आप कॉलेज में उतने छोटे बैग लेकर नहीं जा सकते, तो आप इसे कॉलेज में कैरी कर सकते हैं या ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का है, काफी ज्यादा प्रिटी है, और जो इसकी जो फैब्रिक है वो भी लेदर की है, अच्छी क्वालिटी की है,
और ये इसका हैंडल है, आप देख सकते हैं ये इसका हैंडल, इसका छोटा ही है क्योंकि ये शोल्डर बैग है तो इसका हैंडल छोटा ही है। और यहाँ पे आपको इस तरह का डिजाइन भी मिल रहा है काफी अच्छा, और यहाँ पे ये ब्रांड का साइन भी है। और जिप की बात करें तो आपको इसमें दो जिप मिल रहे हैं, फ्रंट में आपको एक ही मिल रहा है बट उसे ओपन करने के बाद आपको दो कंपार्टमेंट्स मिलेंगे अंदर में, और उसके बाद आपको अंदर में चेंज रखने के लिए भी अलग से कंपार्टमेंट्स मिल रहा है, और फोन वगैरह रखने के लिए आपको अलग से साइड में मिल रहा है ताकि अपने मोबाइल फोन ये सब रख सकते हैं। तो इसकी जो फैब्रिक है वो भी काफी स्टर्टी है, काफी अच्छी क्वालिटी की है, और जो इसकी एमआरपी इसमें दी हुई है वो है 2600 रुपीज, बट मुझे कितने में मिली है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। सो फ्रेंड्स, जितनी भी बैग्स मैंने आपको दिखाई वो सब काफी अफोर्डेबल रेंज की हैं, और मैंने सेल टाइम में लिया था सो और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है मेरे लिए। बट अगर आप अभी चेक करते हैं और इनकी दाम थोड़ी ज्यादा आपको लगती है तो आप रुक जाइएगा, उसे विशलिस्ट कर लीजिएगा और सेल टाइम में आप इसे बाई कर सकते हैं। मैंने भी सेल टाइम में ही लिया था, मैंने काफी दिन से इन्हें सिलेक्ट करके रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।